नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, जेडीयू ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं पहले चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। सबों को मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया है और जिन लोगों को सिंबल मिल चुके हैं उनके बारे में आपको हम खबरें दे रहे हैं लगातार। तो सबसे बड़ी खबर है पालीगंज से। देखिए, पालीगंज में जेडीयू ने जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव को फिर से उम्मीदवार बना दिया है। अब जो चर्चा चल रही थी कि ये सीट भाजपा के खाते में जा रही है, लेकिन जेडीयू यह सीट अपने खाते में लेने में सफल हुई है, भाजपा के खाते में नहीं गई है। बच्चा यादव 2015 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, अभी से कुछ दिन पहले हुए जेडीयू में शामिल हुए और फिर से पालीगंज में भाजपा जेडीयू के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। अब बिहार की सबसे हॉट सीट मोकामा की हम चर्चा करते हैं। मोकामा में तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल नया ही उम्मीदवार उतार दिया है, बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ। देखिए, अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार होंगे किसी न किसी फॉर्मेट में। तो जो उम्मीदवार बनाया गया है जेडीयू से उम्मीदवार बने हैं राजीव लोचन का नाम सुनते ही मोकामा में तो कई लोग सकते में आ गए, क्योंकि मोकामा में बहुत लोगों को इनके नाम की जानकारी ही नहीं थी। राजीव लोचन का असली नाम है अशोक सिंह, ये भी मोकामा के शंकरबाग टोला के ही रहने वाले हैं, जिस मोहल्ले के सूरजभान सिंह भी हैं और जेडीयू के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी हैं। तो नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बेटिकट हो गए हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला है। पिछले चार चुनाव में वे अनंत सिंह के सामने हुआ करते थे। तो राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके पिताजी वेंकटेश सिंह जनसंघ के जमाने से जुड़े रहे हैं, तो इन्हें टिकट मिला है। अब देखना होगा कि ये कितना मुकाबला कर पाते हैं बाहुबली अनंत सिंह से, क्योंकि इन्हें पहचान के साथ जन धन ताकत सब कुछ देना होगा। देखिए, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल को जेडीयू का टिकट मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्यगढ़ा में प्रेम रंजन पटेल भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के पूर्व विधायक का टिकट कट गया है, सूर्यगढ़ा की सीट चली गई है जेडीयू के खाते में और रामानंद मंडल को टिकट मिला है। रामानंद मंडल 2015 में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो रामानंद मंडल मतलब लखीसराय में बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा लड़ेंगे और सूर्यगढ़ा से मानन मंडल लड़ेंगे। अग्याओं में फिर से जेडीयू ने प्रभुनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है। ये देखिए, रिजर्व सीट है। कल से ये खबर चल रही थी कि अग्याओं जा सकती है भाजपा के खाते में, लेकिन नहीं, अग्याओं से प्रभुनाथ राम को ही फिर से जेडीयू ने सिंबल दे दिया है। नीतीश कुमार ने जीत की शुभकामनाएं दी हैं। करगहर से वशिष्ठ सिंह फिर से टिकट पा गए हैं, जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं वशिष्ठ सिंह, टिकट पा गए। यहां भी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री निवास में ओएसडी दिनेश राय की पत्नी को चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन वशिष्ठ सिंह को फिर से टिकट मिल गया है। जगदीशपुर से कुसुम लता कुशवाहा, देखिए हमने सुबह ही आपको जानकारी दे दी थी कि भगवान सिंह कुशवाहा जो बड़ी उम्मीद से टिकट के लिए आए थे जेडीयू में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। भगवान सिंह कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन टिकट मिला है जगदीशपुर से कुसुम लता कुशवाहा को, जो आरसीपी सिंह की बेहद करीब मानी जाती हैं, पिछले कुछ वर्षों से लगातार काम कर रही थी। झाझा से दामोदर रावत को टिकट मिल गया है। देखिए, झाझा से दामोदर रावत को टिकट मिलने का मतलब है कि झाझा की सीट बीजेपी से जेडीयू के खाते में ट्रांसफर हुई है और टिकट मिला है दामोदर रावत को, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। और इसका मतलब यह भी निकला कि झाझा के बीजेपी विधायक रविंदर यादव का टिकट कट गया है। मोकामा जहां राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह को टिकट दिया गया है, यहां ध्यान देने की बात यह भी होगी कि लोजपा अब क्या करता है, क्योंकि सूरजभान सिंह मोकामा से ही हैं। लोजपा को अब उम्मीदवार देना होगा, जो पॉलिसी है कि जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ाना है। ठीक इसी प्रकार से पालीगंज में भी यह ध्यान रखने की बात होगी कि माले और जेडीयू की लड़ाई के बीच में लोजपा किसे उम्मीदवार बनाता है। बरबीघा से सुदर्शन उम्मीदवार बन गए हैं जेडीयू के। देखिए, सुदर्शन राजो सिंह के पोते हैं, 2015 में चुनाव जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन अभी ऐन चुनाव के मौके पर वे जेडीयू में आए और अब उन्हें टिकट भी मिल गया है। तो सुदर्शन उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के खाते में, यह सीट जा रही है महागठबंधन में। महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होते हैं, मुन्ना शाही होते हैं या त्रिशूलधारी सिंह होते हैं, यह देखने की बात होगी। तो देखिए, नोखा से टिकट मिला है राजेंद्र चंद्रवंशी को। रोहतास जिले में नोखा की सीट राजेंद्र चंद्रवंशी को सीट मिली है। पहले इस सीट पर भाजपा के रामेश्वर चौरसिया चुनाव लड़ा करते थे, जो राष्ट्रीय स्तर के सचिव थे, लेकिन 2015 में चुनाव हार गए थे। तो अब यह सीट नोखा की सीट भी जेडीयू के खाते में और टिकट मिला है राजेंद्र चंद्रवंशी को। सुल्तानगंज से जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं ललित नारायण मंडल, सिंबल लेकर निकल गए हैं, मुख्यमंत्री निवास से खबर आ रही है। चेनारी से विधायक, देखिए ललन पासवान को फिर से सिंबल मिल गया है, 2015 में ये रालोसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। मनोरमा देवी, देखिए
मनोरमा देवी एमएलसी हैं, अभी बिंदी यादव की पत्नी हैं, बिंदी यादव का निधन पिछले महीने हो गया था, तो मनोरमा देवी भी पहुंच गई हैं सीएम हाउस, उन्हें भी सिंबल मिला है। अब सिंबल किस विधानसभा क्षेत्र से मिला है उसे उम्मीद इस बात की अधिक है, वे बेलागंज से जदयू की उम्मीदवार होंगी, मतलब राजद के सुरेंद्र यादव के खिलाफ उम्मीदवार होंगी। वैसे कुछ चर्चाएं अत्री को लेकर भी थी, लेकिन अब मनोरमा देवी को जब उम्मीदवार बनाया जा रहा है बेलागंज में, तो सवाल यह उठ रहा है कि अभय कुशवाहा का क्या होने जा रहा है। अभय कुशवाहा टेकारी से जेडीयू के जीते हुए विधायक है, जिनके बारे में खबर यह थी कि वे बेलागंज जा रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी टिकट पाने में सफल हो गए हैं। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे, उनका मुकाबला राजद के सुदय यादव से होगा। 2015 में ये घोसी से चुनाव जीते थे, लेकिन घोसी में अब राहुल कुमार को, जगदीश शर्मा के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है। घोसी से जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार चुनाव लड़ेंगे। मनोज यादव को बेलहर से जदयू का प्रत्याशी बनाया गया है। अभी स्थानीय निकाय से एमएलसी हैं मनोज यादव, तो मनोज यादव बन गए। मसौरी से जदयू ने कुसुम, देखिए मसौरी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, हम आगे बढ़ जाते हैं। कुर्था से सिटिंग एमएलए सत्यदेव सिंह कुशवाहा पहुंचे हैं, उन्हें टिकट मिल गया है। शेरघाटी से विनोद प्रसाद यादव को टिकट मिला, विनोद प्रसाद यादव सिटिंग एमएलए हैं, ये खबर आ रही है। मेवालाल चौधरी तारापुर से, मुंगेर के तारापुर से फिर से टिकट लेने में सफल हो गए हैं, जीते हुए विधायक हैं मेवालाल चौधरी। जब भाई सांसद थे तो भर्ती घोटाले में भी फंसे, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, तो इन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। तो इतनी सारी खबरें आ रही है, और मोकामा के बारे में आपको बताया, बड़ी सीटों के बारे में आपको हमने जानकारी दी है। लगातार खबरें अपडेट हो रही है। हमारे रिपोर्टर आलोक और शिवम मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही तैनात हैं, और इन खबरों के बीच में अब आरजेडी से भी टिकट और सिंबल बटने शुरू हो गए हैं पहले चरण के लिए। देखिए मसौरी से नूतन पासवान को जदयू के टिकट मिलने की बात कही जा रही है। नूतन पासवान ने कहा है कि हमें सिंबल मिल गया है, नूतन पासवान मसौरी से उम्मीदवार होंगी, यह बात कंफर्म कही जा रही है। तो ये सारी जानकारी आ रही है। कौशल यादव नवादा में जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं, कौशल यादव जीते हुए विधायक हैं, कौशल यादव उपचुनाव में जीते, उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी गोविंदपुर से चुनाव लड़ेंगी। गोविंदपुर नवादा में ही है, गोविंदपुर में 2015 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गई। रफीगंज से अशोक सिंह जेडीयू के प्रत्याशी होंगे, अभी जीते हुए विधायक हैं। जयंत राज के बारे में खबर है कि बांका के अमरपुर सीट से प्रत्याशी होंगे, मतलब यह सीट भाजपा से जेडीयू के खाते में आई है। संतोष निराला बिहार सरकार में मंत्री हैं, राजपुर से होंगे जेडीयू के प्रत्याशी। तो पहले चरण के लिए देखिए लगातार पहले चरण के लिए जेडीयू सिंबल बांट रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर सभी लोग बुलाए गए हैं जिन्हें सिंबल देना दिया जाना है। इसके पहले की कसरत में संजय गांधी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनका फोन सबों के पास गया था, किनके खिलाफ कितने केस हैं इसकी जानकारी प्राप्त की गई थी। तो अब सिंबल मिलना शुरू हो गया है, आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव स्ट्रीम के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।